सामान्य सी प्रक्रिया होती है, जितने भी केंद्रीय विद्यालय होते हैं या फिर राज्य स्तरीय विद्यालय होते हैं उनमें छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद से जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, नेता चुन के आते हैं, वो छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि छात्रों की जो समस्याएं होती है उनको संबंधित अधिकारियों के पास वही छात्र नेता लेकर जाते हैं। लेकिन पिछले अगर 5 साल से किसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव ना हो तो आप सोच सकते हैं कि समस्याएं किस स्तर की होंगी। यह अनुसूचित के तमाम कार्यकर्ता है और पोस्ट कार्ड ये भेज रहे हैं राज्यपाल के नाम। 1000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड है। बकायदा 5 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। 2017 में आखिरी बार चुनाव हुए थे और उसके बाद छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए थे। एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता हैं जो पिछले कई सालों से अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बार वो पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं राज्यपाल के नाम। तमाम हमारे साथ छात्र नेता हैं जो बात करने के लिए मजबूर है। नर्सरी कहा जाता है विश्वविद्यालय को, जो नए नेता होते हैं उनकी तैयारी और यहाँ पर आगे आने के लिए छात्र संघ एक बेहद जरूरी होते हैं। 5 साल से नहीं हुए, क्या वजह है? देखिए क्या है कि यहाँ पे जब 2017 में आखिरी बार चुनाव हुए थे तो एवीपी 5 प्रमुख पदों पर जीती थी। उसके बाद एवीपी के जो कार्यकर्ता जीते हुए कार्यकर्ता थे वो किसी भी तरीके के छात्र मुद्दे में काम नहीं कर पाए। कुछ अपने छोड़कर पूर्वांचल वापस लौट गए, किसी की नौकरी लग गई। तो इस तरीके से एवीपी लगातार छात्रों के बीच में कमजोर रही है। उसने किसी भी तरीके के छात्र मुद्दे पर कोई काम नहीं किया है। अब अगर ऐसे में छात्र संघ का चुनाव होता है और एवीपी बीजेपी के जो संगठन है विंग है स्टूडेंट विंग, अगर वही इस चुनाव में हार जाएगी तो इस डर से चुनावों को छात्र संघ चुनावों को बहाल नहीं करा जा रहा है और रुके हुए चुनाव। एक वजह ये भी निकल के सामने आती है कि जब 2017 में चुनाव हुए थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद से फिर चुनाव नहीं हुए। छात्रों की समस्याएं, छात्रों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको संबंधित अधिकारियों के पटल पर उनकी डेस्क तक पहुंचाने के लिए छात्र नेता होते हैं, चुनाव नहीं कराए गए। किस तरह की देखिए 2017 में जब आखिरी बार चुनाव हुआ था तो विद्यार्थी परिषद ने प्रमुख सीट जो यहाँ होती है उन पर ज्यादातर सीटों पर दर्ज की थी जीत। उसके बाद उनका आलम यह था कि छात्र संघ का जो कार्यालय होता है वो विद्यार्थी परिषद का कार्यालय बना दिया गया था। छात्र संघ के पदाधिकारियों को नहीं बैठाया जाता था, विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी वहां बैठते थे। क्योंकि मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष यहां पर रहा हूं और लगातार पिछले 6 साल से छात्रों की समस्याओं को उठा रहा हूं। विद्यार्थी परिषद के अब से पहले 2 छात्र संघ के यहाँ अध्यक्ष जी थे, वो दोनों के दोनों ही गायब हैं। बाकी सपा छात्र सभा का यहाँ अध्यक्ष जी था, वो गायब है। मैं यहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ और एनएसयूआई का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं लगातार छात्रों की अपने एनएसयूआई संगठन के साथ यहाँ मांगों को उठा रहा हूँ। इन 5 सालों में क्या देखते हैं, किस तरह के भ्रष्टाचार और किस तरह के स्टूडेंटों के सामने जो परेशानियां दिक्कतें वो आ रही है? देखिए ये समस्याएं दिन प्रतिदिन आगरा विश्वविद्यालय में बढ़ती जा रही है। कुछ मूलभूत समस्याएं वो लगातार चलती हुई आ रही है। बहुत सी समस्याओं का था जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था तब समाधान हमने करा दिया गया। उसके बाद क्योंकि विद्यार्थी परिषद का वहां जीता और भाजपा की सरकार बनी तो उन लोगों ने विरोध करना बंद कर दिया। समस्याएं बहुत हैं। भ्रष्टाचार आगरा विश्वविद्यालय में इतना बढ़ गया है कि इस विश्वविद्यालय को एक देसी भाषा में कहा जाता है दुधारू गाय, वो बना दिया है। आते हैं हर कोई इसको लूट के चला जाता है। एनएसयूआई पिछले काफी दिन से ये आंदोलन चला रही है छात्र संघ चुनाव के लिए, छात्रावास के लिए, और विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनका सबूतों के साथ खुलासा कर रही है। और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए तो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर और बाकी भ्रष्टाचार या छात्रावास की मांगों को लेकर एनएसयूआई बड़ा आंदोलन आगरा विश्वविद्यालय में करेगी। 2017 से चुनाव नहीं हुए, दावा ये भी किया जा रहा था कि भैया कोविड आ गया देश में, कोविड के बाद से चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन 5 साल एक बड़ा लंबा गैप इस बीच हुआ, क्या लगता है, क्या सोचते हैं? देश के किसी भी विश्वविद्यालय में कोरोना वैश्विक महामारी से चुनाव नहीं कराए गए। आखिर में 2017 में छात्र संघ का चुनाव हुआ था लेकिन 2018 में कोरोना नहीं था तब भी यहाँ पर चुनाव नहीं कराए गए थे। एनएसयूआई संगठन ने तब भी लगातार मांग की थी, 18 दिन का विश्वविद्यालय के अंदर धरना प्रदर्शन दिया था और राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए थे और हम लोग जेल गए थे। उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारी नहीं मानी। फिर हमने कोरोना वैश्विक महामारी के जाने के बाद अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं और हम लगातार 17 तारीख से इस मांग को उठा रहे हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर जो व्याप्त समस्याएं हैं उनको एक छात्र संघ का प्रतिनिधि उठा सकता है। हम संगठन के माध्यम से जाते हैं तो हमसे कह देते हैं आप हो कौन, आप स्टूडेंट नहीं है, ये जो विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा चुनाव हुआ प्रतिनिधि होगा और विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देगा, वहां धरना प्रदर्शन करेगा तो छात्रों की समस्या का समाधान होगा। मतलब क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, साफ तौर से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या सरकार की मंशा नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा नहीं है, राज्य सरकार की मंशा नहीं, क्या है, क्या लगता है? मैं आपको एक बताऊं, जब जो सरकार का संगठन है वो बिल्कुल तरीके से छात्र मुद्दों को लेकर निष्क्रिय है। इन्होंने 5 साल में छात्र के किसी भी मुद्दे पर काम नहीं किया है, चाहे वो छात्रावास का मुद्दा हो, चाहे वो प्लेसमेंट का मुद्दा हो, चाहे प्रवेश परीक्षा परिणाम का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने काम नहीं किया है। चाहे री एग्जाम का हो, चाहे एक्स एग्जाम का हो, एनएसयूआई लगातार प्रोटेस्ट के माध्यम से छात्रों के बीच में पहुंचती है। आज सबसे पसंदीदा
छात्र संगठन अगर कोई छात्रों का आता है तो वो NSYI है, लगातार 24/7 विश्वविद्यालय के हर कैंपसों में हर कॉलेज में NSYI सक्रिय रहती है। NSYI के बाद छात्र संघ का चुनाव जीतेगी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बुरी तरीके से पूरे प्रदेश में चुनाव हारेगी। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव नहीं करा रहे हैं। ये आपने मोटा माटी समझा कि इस बार जो छात्र संघ के जो चुनाव है कितने जरूरी भी है, जरूरी इसलिए भी है कि किसी भी विश्वविद्यालय में जो छात्रों की समस्या होती है, चाहे वो हॉस्टल की समस्या हो, बढ़ी हुई फीस की समस्या हो, टॉयलेट की समस्या हो, साफ पानी पीने की समस्या हो, इसी तमाम समस्याओं को जो छात्र नेता होते हैं वो संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। उनका एक लीडर, एक प्रतिनिधित्व का ग्रुप उन्हें चाहिए होता है, लेकिन पिछले 5 सालों से चुनाव नहीं हुए तो सारी समस्याएं उन तक नहीं पहुंचती है। अब इस बात पर क्वेश्चन मार्क है कि क्या इस साल भी छात्र संघ के चुनाव होंगे या नहीं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18।